नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल होता अब राज एक और मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है आई गॉट सरप्राइज विथ ₹10 लाख मिस्ट्री बॉक्सेस इन माय न्यू हाउस। तो ये फकरा इंसान की तरफ से फाइनली 11 या 12 दिन पहले एक नई वीडियो आई है जिसमें कि 10 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्सेस मिला, तो इसे सरप्राइज हो गया, वो भी इसके नए घर में ये मिस्ट्री बॉक्सेस मिले। तो देखते वीडियो कैसा होता है, किस टाइप का होता है और किस किस टाइप के मिस्ट्री बॉक्स होते हैं, क्या क्या उसमें प्राइस होता है, क्या आइटम होता है, क्या टोटल 10 लाख रुपए के होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं हो तो पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर तुम फकरा इंसान उर्फ अभिषेक मलन के बहुत बड़े फैन हो और इसके इतने बड़े फैन हो, इसके ओरिजिनल वीडियो के साथ साथ रिएक्शन वीडियो भी देखना पसंद है और मेरे चैनल पर नए हैं मतलब सर्च करके या रिकमेंडेशन मिला है, तो प्लीज मेरा पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, मिस्ट्री बॉक्सेस के वीडियो तो अच्छे होते हैं पर इस बार फाइनली नए घर में मिस्ट्री बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिलेगी, तो देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट पनला, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, लेट्स गो। ओके, तो हाई बॉक्स ने भेजे है 100 मिस्ट्री बॉक्सेस मेरे को मेरे नए घर में। एंड भाई दिस इज सो कूल, मैं इनको खोलने वाला हूँ। ये कितने प्यारे प्यारे मिस्ट्री बॉक्सेस है, बट देखो तो यार क्या निकलेगा पहले मिस्ट्री बॉक्स में। बट इसमें ये क्या है, वेजिटेबल्स छीलने वाली है, तो वो है पीलर। एग्जैक्टली पीलर है। पहले मुझे ऐसे लगा कि ये तो शेव करने के लिए, पापा इससे शेव कर सकते हैं। और कुछ नहीं है क्या इस डब्बे में, मजा नहीं आ रहा। नेक्स्ट मिस्ट्री बॉक्स खोलते हैं, कौन सा खोलू, बड़ा वाला मिस्ट्री बॉक्स कोई है इसमें। मोस्टली सारे यहाँ पर सेम साइज के हैं, ये कुछ डिफरेंट है हमारे पास, आओ इसको खोले। ये क्या है, कुछ डिफरेंट लग रहा है भाई, मून लैम्प। भाई इसको तो ऑन करके देखना पड़ेगा, कुछ बढ़िया चीज लग रही है भाई। क्या ही सॉर्टेड चीज है यार ये, एकदम मस्त, ऐसा लग रहा है वो चंद्रमा पे ग्रहण लग चुका है, एकदम रेड हो रखा है मून। आई लाइक इट। व्हाट, ग्रीन हो गया, ब्लू, व्हाइट, बदल जा, येलो, ब्लू, पर्पल। अब तो एकदम ये वो हो गई डिस्को बॉल, आई एम अ डिस्को डांसर। नेक्स्ट, कौन सा खोलू भाई, खोलू। अगर थोड़ा डिस्को लाइट का इफेक्ट भी डाला होता ना एडिटर ने भाई, और मजा आ जाता, बट ठीक है देखते हैं। कौन सा मिस्ट्री बॉक्स सबसे टॉप पे, दमदार नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, इसमें वजन ज्यादा है, ये खोल के देखते हैं। अगर इसमें 20,000 से ऊपर का सामान निकला तो मैं अभी तुम्हारे को शीला की जवानी डांस मूव दिखाऊंगा। ओहो, वेटिंग। मेरे आने वाले बच्चों के लिए पैंपर्स नहीं चाहिए मुझे, पैंपर्स यार। चौथा मिस्ट्री बॉक्स कौन सा है, देख रहा हूँ मैं यार, मतलब सारा देखना पड़ेगा, तब तक तुम्हारे को हाउस टूर भी मिलता रहेगा इसमें। कौन सा डब्बा खोलू, ये मस्त लग रहा है, ये सबसे बड़ा है, मुझे पता है अभी वीडियो में पापा आएंगे ना वो खोलेंगे सबसे पहले ये वाला मिस्ट्री बॉक्स, बट मैं खोलूंगा ये वाला, देखते हैं क्या निकलेगा। ओह माय गॉड, कहाँ निकला है, एक सॉफ्ट टॉय। मुझे ऐसा लगता है ये वाले मिस्ट्री बॉक्स से मेरा नहीं मेरे बच्चों का घर बार बनेगा। कितना क्यूट है यार, नाइस, आई लाइक इट। ओके, ओह भाई ये वाला तो भाई दमदार लग रहा है। ओह माय गॉड, आई होप इसमें कुछ अच्छा निकल जाए यार, हाई बॉक्स प्लीज। भाई साहब ऐसा चाकू मारा है, अंदर का सामान भी खुल गया यार, मैंने उसको उठाया था मुझे लगा बहुत भारी सामान है, कुछ तो अच्छा निकलेगा भाई। पूरा आटा ऐसे का ऐसे ही 5 किलो का, अगर मैंने इसको निकाला तो मेरे नए घर में ना गंद मच जाएगा और मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, वैसे ही परमिशन नहीं दे रहे थे यार शूट करने की यार। वैसे एक चीज बहुत अच्छी है हाई बॉक्स के बारे में कि 48 आवर्स के अंदर मेरा ऑर्डर आ जाता है, कोई तुम्हारे को 15-15, 20-20 दिन वेट करने की जरूरत नहीं ऑर्डर करने के बाद, तो यू कैन प्लेस योर ऑर्डर्स, बट प्लीज आई वॉन्ट समथिंग गुड। हे हाई बॉक्स वालों, क्या भेजा मेरे लिए, एक ऐसी आइटम तो भेजो जिसको देख के मैं कहूँ वाओ। और क्या खुली मेरी लॉटरी, इको डॉट कितने की है, पहले इसका प्राइस देखूं, 4,499, काम चला हुआ है। पर मुझे चाहिए कोई मतलब ऐसा होना कि आईफोन निकल जाए, मजा ही आ जाए यार, जिंदगी बन जाए, क्योंकि ये मेरा लास्ट बॉक्स है, इसके बाद अनबॉक्सिंग करने आने वाले हैं बापों के बाप, डैडी। यार लास्ट बॉक्स है, मैं ना कुछ अच्छा खोलना चाहता हूँ। ओह ये बढ़िया लग रहा है, अब मैं मंत्र पढ़ने वाला हूँ, आलतू जलाल तू आई बला कर डाल तू, इस डब्बे में खोल दे कुछ बहुत ही फालतू। मंत्र देख रहे हो, ये मंत्र तो बहुत काम का है भाई, भाई भाई लॉटरी लग गई, 825 GB का PlayStation 5। ओह माय गॉड, मेरा काम हो गया, मुझे सिर्फ यही चाहिए था और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे मैंने इतनी सारी PS5 इकट्ठी कर लिया ना कि क्या बताऊं, बट अब मैं बुलाने वाला हूं डैडी को, जो करेंगे अगले मिस्ट्री बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग। बट हे भगवान, मुझे फकरा इंसान से ना इस गरीब के लिए, मेरे जैसे गरीब के लिए ना PS5 का गिव अवे करवा दो। सीरियसली यार आई लव PS5, स्पेशली GTA 6 आ रहा ना उसी के चक्कर में और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। वैसे तो मैं
एक कंट्रोलर जॉयस्टिक से अपुन नहीं खेल सकता, अपुन है पीसी गेमर और मोबाइल गेमर। ओके कंटिन्यू, तब तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ और छुपा लेता हूँ पहले। देखते हैं आगे। ओके तो अब पापा करने वाले हैं सात मिस्ट्री बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग। पापा सबसे ज्यादा लकी रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स के मामले में। तो बताओ पापा कौन सा खोलोगे? नंबर वन। ओहो पापा का डिसाइड था। आराम से। क्या होगा, क्या लगता है पापा? कुछ तो लग रहा है। एक सेकेंड। No way, पापा इतने लकी कैसे हो सकते हैं मुझे ये बताओ। भाई आईपैड, आईपैड टैबलेट 64 GB 64 GB। भाई एक सेकेंड, खुशी देख रहे हो भाई? पापा हाउ कैन यू बी सो लकी मैन, दिस इज नॉट पॉसिबल भाई। एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ओवर नहीं करूंगा। ट्रिगर्ड इंसान के राजा व्लॉग्स के ऊपर रिएक्शन दिया तो किसी एक सब्सक्राइबर बोल रहा स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। ओवर रिएक्टिंग क्या है भाई, मेरा भी तो टैलेंट है स्पीड में बोलने का, इसलिए बस। और पहला डब्बा खोला इतना अच्छा कैसे हो सकता है भाई? मेरा लकी चार्म तू है और निश्चय भाई और ऊपर से मम्मी है। अंकल की लॉटरी लग गई है भाई, मैं तो भाई रखूंगा। और ब्लू कलर, पापा ने इसमें देखना ही क्या है। पापा पता कौन सी रीले देखते हैं? चंद्रमा में चार दाग थे, पर चांद में चार दाग क्यों था? एप्पल का। नेक्स्ट। इग्नोर। पापा सर्चिंग बड़ा। ये खोलो भाई, मैंने तो बोला ही था पापा को तो सबसे बड़े बड़े मिस्ट्री बॉक्सेस दिखते हैं। आओ भाई, क्या लगता है? मुझे सच्चाई बताऊं? हाँ, ऐसे शक्ल से तो टीवी लग रहा है, बाकी खाली हो तो वो मुझे नहीं पता। आई थिंक यू आर राइट। गूगल का रिएक्शन, गूगल का टीवी, क्या बात है भाई। पापा की किस्मत हमेशा ओपी गाइस, इन द चैट, इन द चैट गाइस। और पापा ने अभी टीवी खरीदने भी थे, इस घर में अभी लगे नहीं है। चलो एक एक्स्ट्रा हो गया पापा आपका। नेक्स्ट क्या खोलना है बताओ? टीवी अभी टूट जाता है। ये भी नहीं, देख उठाया और थोड़ा हल्का लगता है, ये ले लेते हैं। इमेजिन करो, एक तो मेरे और टारगेट पे है। अच्छा, एक टारगेट पे और रखा हुआ है क्या? इमेजिन करो, आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है सबसे ज्यादा? गुस्सा कब आता है? वैसे ही आ जाता मुझे तो क्या, जब आवाज आ गई। नहीं तो पापा को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है किस पे? मुझ पे। तो समझो ये मार दिया मैंने, और ये निकला है पापा का मेड इन इंडिया अल्टीमेट वॉच। ये भी कितने की होगी? बोट की स्मार्ट वॉच है पापा ये। अच्छा जी, वाह यार वाह। हर चीज और तो कुछ नहीं है बीच में, और कुछ नहीं है, हर चीज में, हर डब्बे में एक ही आइटम। नेक्स्ट पापा, पापा ने अब तक तीन चीजें खोली है ना, एक तीनों इलेक्ट्रॉनिक। वाह, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक इंसान है पापा। ओहो, आई मीन अंकल जी। ले भाई, चौथा भी इलेक्ट्रॉनिक, एयरपोर्ट, बोट के एयरपोर्ट। अरे और क्या चीज, चार चीजें पापा ने खोली है और चारों एक से एक चीज। नेक्स्ट फिफ्थ। चलो सात खोलने हैं ना मैंने। यस फिफ्थ है ना ये? क्या है इसमें? कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। इतनी अच्छी सच में नहीं हो सकती किस्मत। आईफोन। भाई सही में जब मैं डब्बे खोल रहा था तब मैं सोच रहा था मेरा क्या निकल रहा है, जब पापा डब्बे खोल रहे तो एक से एक डब्बा। बट हाईबॉक्स की एक स्पेशलिटी पता क्या, ये नो लॉस मिस्ट्री बॉक्स प्लेटफॉर्म है। कैसे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बट पापा लास्ट प्रमोशन ओपी कर दो चढ़ाई। अब ये ना हो, अब मैंने खोला तो कुछ भी ना मिले। ऐसा भी होता है, बेटा बाप के लिए लकी होता है। ये देखो पापा ने अपने लिए खोला अनियन शैम्पू। देखो मैं आपको लकी हूँ, और कुछ नहीं है। अबे कुछ है, ये ले। अच्छा शैम्पू और विटामिन लोशन, लो पापा आप। ये देखो अब तू ही खोल दे ना। दो क्या कह रहे, मैं ही खोल दिया भाई। लास्ट है आपका, लास्ट। जय हो, आ जा फिर आगे। पापा का डिसाइडेड था, मेरे को पता है। मैंने लास्ट में रखा हुआ था ये नीचे वाला। या तो बहुत बढ़िया चीज होगी या बिल्कुल ही ठुस होगा। नहीं बढ़िया होगा। पापा ऑलवेज वांट्स द बिगेस्ट मिस्ट्री बॉक्सेस। ओ हो, वाओ वाओ वाओ, वॉशिंग मशीन किंग। क्या ये? ये है भाई इम्पोर्टेड, समझ नहीं आ रहा भाई। पार्टी स्पीकर, ये कैसा स्पीकर है भाई, अनबॉक्स करके देखे। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे को भी नहीं समझ। बड़े मोटे से भाई मिलते हैं। अरे एक और डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, के अंदर एक और डब्बा, और उसके अंदर एक और डब्बा। ओहो ये तो पापा सबसे बड़ा वाला स्पीकर है, ये ऐसा इतना बड़ा पार्टी स्पीकर है। पापा अपनी लॉटरी लग गई, अपन चले। मैंने सात डब्बे खोले, मेरा खुल्लू कुछ नहीं आया। पापा ने सात डब्बे खोले, एक से एक लकी बॉय। बस एक पापा ने खुद खोला, उसमें कुछ नहीं निकला। यहाँ से बुलाते हैं मम्मी को, देखते हैं उनका लक कैसा है मिस्ट्री बॉक्स अनबॉक्सिंग में। ओके तो आप आ गई है मम्मी जी। और मम्मी जी भाई मैं बताऊं, पहले तो परमिशन ही नहीं दे रही थी कि इस घर में शूट हो, बहुत मुश्किल लगी है गाइस मेरे को। तुम जानते भी, इतने पैसे खर्चने के बाद भी मेरी कुछ नहीं चलती इस घर में। मम्मी कौन सा मिस्ट्री बॉक्स खोले, क्योंकि आपकी किस्मत तो बहुत बुरी रही है मिस्ट्री बॉक्स में। बट लेट्स गो, सारे ही एक जैसे हैं। हां तो एक ही जैसे होंगे, ऐसे थोड़े कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। हां बड़े पापा ले गए सारे, बड़ा छोटा भी तो
होना ये हो सकता है बड़ा देखो। हाँ तो मेरी नजर इसी पे ही है। मम्मी यहाँ बैठते हैं, थोड़ा नए घर में अलग अलग वो भी दिखेंगे ना लोगों को कि कैसा घर है इनका। वैसे तो मम्मी की किस्मत खराब ही रही है इस मामले। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वो मिस्ट्री बॉक्स से मांग रहे। मैं कह रहा हूँ डब्बे पे चाकू लग गया यार पूरे। ये तो अब टूट ही गया होगा। नहीं यार टूटा तो नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं मम्मी, वैसे तो सुंदर आपको ये नए बैग की जरूरत थी। पीछे से मत दिखाना ना, ये नजर बट्टू लग गया इस पे। हाय राम हाय राम, बहुत बुरा हुआ। चलो कोई नहीं, आओ अगला खोलते हैं। मैंने कहा इधर से ही अच्छा निकला था। आओ भाई, वैसे तो खाली है वो, पर फिर भी कुछ तो काम का निकला। मम्मी तो पता नहीं कितनी वो फर्मे लगा रही है। ओ हो, ये खुल जाए वो खुल जाए। मम्मी दिमाग खुराफियां होती है। इसके अंदर कुछ लग रहा है। तू कहता तो खोल। मम्मी को पता है साथ ही मिस्ट्री बॉक्स खोलने हैं। को अच्छा अच्छा खोल लो। तो और क्या? देखो अब मैं अच्छे से हाथ मार रहा हूँ। ओ हो, कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो होगा। गाइस गेस करो क्या होगा। HX75 ड्रोन। पर ये तो बच्चों वाला ड्रोन लग रहा है यार। 6 चैनल रिमोट कंट्रोल। कितने का ये? 3000 रुपए वाला बच्चों वाला ड्रोन है। जैसे वैसे मम्मी तो टॉयज के साथ ही खेलती है। अब मम्मी जाओ ड्रोन उड़ाओ। नहीं नहीं, मैं 5 ईयर प्लानिंग करूंगी। जब इसके बच्चे होंगे तो उनके लिए रखूंगी। फिर तो 10 ईयर करनी पड़ेगी मम्मी। नेक्स्ट लग ही रहा है कुछ दमदार लग रहा है। क्या खोल दूं? क्या खोलो? मेरे को लग रहा है अच्छा सामान तो पापा ले गए सारा। यार पापा की किस्मत नेक्स्ट लेवल है, मेरी और मम्मी की किस्मत मिस्ट्री बॉक्स में बहुत बुरी है। पहले मम्मी का निकला बच्चों वाला ड्रोन, अब मम्मी का निकला बच्चों वाला बैग। एक मम्मी का वो निकला था जो अच्छा ट्रैवलर बैग, वो मेरे से गलती से टूट गया। मुझे नहीं खेलना यार। मम्मी आपके लिए एक डब्बा मैं खोल रहा हूँ। ओ माय गॉड, पता क्या निकला है? पता क्या निकला है? गैस करो। ये तो मेरे को लग रहा है टिशू पेपर है। गाड़ी में रखने वाले। लो आपके आपको चाहिए था ना घर के लिए कुछ। हाँ। मिले लो टिशू यूज करो। ये घर के लिए थोड़ी है, गाड़ी के लिए। तूने नई गाड़ी ली ना उसके लिए मुबारक हो। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। खोलो यार, कम ऑन, आई वांट टू सी 3 अच्छे बॉक्सेस, लास्ट 3 गुड वंस। लग तो रहा है कुछ। मम्मी तो सिर्फ वजन से देखती है। अगर वजन से पापा ने डब्बे खोले होते ना मम्मी, तो आईफोन नहीं निकलता। अभी जैसे आपका निकल गया है, बोट स्पीकर घर में लगाना जब आप चाय बनाओ पापा के लिए, तो सुनते हुए मजा आएगा। लास्ट 2 मम्मी कम ऑन खोल दो। सारा लग तो पापा ले गए, अब क्या मेरे को मिलना है? एयरपोर्ट्स प्रो। ओहो 25,000 रुपए का गिफ्ट निकाल ही दिया। फाइनली कुछ तो मिला। चलो लास्ट मिस्ट्री बॉक्स मम्मी, ये खोलते हैं। ओ माय गॉड क्या निकलेगा, कोई आइडिया? बाबा जी का ठुल्लू। मुझे तो ऐसा लग रहा है बाबा जी का ठुल्लू ही है इसमें। कुछ तो होना चाहिए यार। स्विस ब्यूटी मेकअप। वैसे तो मम्मी मेरी बहुत सुंदर है गाइस, तुम एक बार उनको देखो, ये हसीन चेहरा देखो एक बार। आपको देखते ही मुझे वो गाना याद आ जाता है, ये तेरी हंसी पर मैं महीना जब। वैसे तो आपको मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपकी बेटी को, तो फिर भी अगर आपकी बेटी को चाहिए हो तो दे देना उसको। अरे ठीक है मम्मी, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय करो। मुझे पता है आज आपको ज्यादा खुशी तो नहीं हुई मिस्ट्री बॉक्सेस से, बट गाइस मैं तुम्हारे को बताऊं, आप भी सुनो मम्मी ध्यान से। अभी तक तो हम ये फिजिकल मिस्ट्री बॉक्सेस ऑर्डर कर रहे हैं, बट हम मिस्ट्री बॉक्सेस ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठ के भी। तो आप लोग जो देख रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, हाई बॉक्स की ऐप पे जाना है और वहां पर आपको मिस्ट्री बॉक्सेस घर बैठे बैठे खरीद सकते हो। देखो जैसे मम्मी यहाँ पर मैंने 1,00,000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीद लिया, ठीक है। अब पहले उम्मीद करो कि मेरा कुछ अच्छा निकले। चलो अब हम ओपन करने वाले मिस्ट्री बॉक्स को। ये मेरी सारी पेमेंट्स हो गई, ये मैंने दबा दिया ओपन। प्लीज कुछ अच्छा निकल जा प्लीज। और मेरा निकला ग्रिलर। अरे यार बट 1,00,000 रुपए का मिस्ट्री बॉक्स लिया, 1,04,000 का ग्रिलर मेरे को मिल गया। अगर मैं इसको मंगवाना भी ना चाहूं तो भी ये ग्रिलर मैं ऑन द स्पॉट ऐप पे ही बेच सकता हूं। तो रीसेल वैल्यू है, और ये रीसेल जो होती है वो हमेशा मिस्ट्री बॉक्स के प्राइस से ऊपर होता है, तो कभी भी लॉस नहीं होगा। मैंने कहा था 0 लॉस मिस्ट्री बॉक्सेस है ये, तो भाई उसको वहीं पर बेच लो। अब जैसे इसका रीसेल प्राइस आ रहा है 1,01,000, तो मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इससे ज्यादा भाई क्या ही लोगे। हाई बॉक्स पे तुम भी जाओ मिस्ट्री बॉक्सेस ऑर्डर करो, और यहां से मैं बुलाता हूं अब जासूस किंग को, देखते हैं उसकी किस्मत चलती है नहीं। बाय मम्मी बाय। द मीम किंग जासूस इज हियर। देखो मैंने पिछले बार भी लूटा था, अब मैं दोबारा चुका तुम्हारा लूट ले। देखो ये मेरे को लूट लेता है, 5-7 बॉक्सेस खुलवा लेता हूं मैं इससे, बट बाद में मैं इसको कहता हूं भाई 1-2 बॉक्स का सामान तो दे दे भाई प्लीज यार। कौन सा खोलेगा? ये खोलेंगे भाई। खोल राजू खोल। क्या निकाल रहा है राजू? राजू अरे भाई ये निकला है बतकर भाई, बतकर लग जाएगी यार। बता नहीं आया यार, सीने पे मार सीने पे। तुम खोलो भाई, मेरी किस्मत ही अच्छी है से। मैं खराब है इसलिए खुलवा रहा हूँ। मेरी किस्मत वैसे सच में खराब है मुझे लगता है। उबोन का पावर बैंक। रहने दो भाई, तुम्हारे रहने दे, तू ही खोल ले। लो अच्छा ये काम खाओ। सिगरेट तो नहीं हुआ, मैंने नहीं खोले। जय श्री राम। ओपन। ओहो ट्रिमर की जरूरत थी मेरे को। तेरे को ट्रिमर की सच में जरूरत है? अनिल कपूर बन रखा है, गोवा में ऐसे शर्टलेस घूम रहा था। अरे जा भाई ट्रिमर यूज कर। क्या अब मैं देखो, अब ये जो मैं बॉक्स खोल रहा हूँ ये मैं अपने लिए खोल रहा हूँ। नहीं यार
एक काम कर तू ही ले ले, मेरे को नहीं चाहिए अभी भी, मेरे को 25 रुपए 25 रुपए की बोतलें दे देते यार। वाह, योर माय हनी बन शुगर केक ऑन दी योर के यो माय स्वीटी पाय। खोल दे जासूस यार, कुछ बढ़िया निकाल दे। बोले आईपैड या आईफोन की जाए। निकाल दे निकाल दे निकाल दे आईपैड। हेयर ड्रायर। भाई मैं सही बता रहा हूँ, आज पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही बंदे ने मौज करी है। डैड इज द ग्रेट। खोल दे, चल खोल दे खोल दे खोल दे। लो ये तो तुम्हारे लिए भाई, मैं तो दाढ़ी उगाता ही नहीं। लो दाढ़ी में तेल लगाओ। ओह, दाढ़ी धोने के लिए बियर्ड ऑयल। क्या निकलेगा? हाई बॉक्स। क्या भाई, मुझे क्या होता है भाई? रिएक्शन तो ऐसे दे रहा था भाई। ये है मसल ब्लेज का वे प्रोटीन पैकेट वाला। क्या है? कुछ तो अच्छा निकाला होगा। लो भाई खेलना तुम्हें। टॉय कार, एक असली कार दे दो यार। टॉय कार दे दी। हाई बॉक्स ला भाई, तेरे बॉक्स हो गए भाई। हो गए, एक काम कर। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। ऑटो पकड़ के जाइयो। ऑटो के पैसे पेटीएम कर दो। जा ठीक है भाई। ओके ठीक है भाई। कितने आदमी थे? सरकार सिर्फ 3 डब्बे थे और 3 डब्बों के लिए एक बंदूक। जो डब्बा गिरा सबसे पहले उसकी अनबॉक्सिंग। डब्बा ही नहीं गिरा, बंदूक में दम नहीं। कुछ तो अच्छा निकल जाए यार। मैं निकली है टी शर्ट हाई बॉक्स की। हेलो, ब्रांडिंग कर लो मेरे को, कुछ अच्छा दे दो यार। नेक्स्ट फाइनल 2 यार। आई एम बार्बी डॉल। बट गाइस, मेरी बचपन से एक तमन्ना थी कि मुझे एक बार्बी डॉल मिल जाए, और देखो बार्बी डॉल मिल गई। लास्ट मिस्ट्री बॉक्स, आई होप इसमें कुछ मस्त निकल जाए। लास्ट मिस्ट्री बॉक्स में निकली है टोपी। ओह ये बेटा तेरे लिए नहीं है, ये अशर के लिए कैप है, अशर के लिए टी शर्ट है, और अशर के लिए बार्बी है। बार्बी है। या फिर अशर की होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए बार्बी है। आप लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो हाई बॉक्स से मिस्ट्री बॉक्सेस। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से जाओगे तो आपको 100 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा, एंड भैया प्रॉफिट भी बना सकते हो इन मिस्ट्री बॉक्सेस पे। तो जाओ ऑर्डर करो पापा, प्लीज एयरपैड दे दो पापा प्लीज। तो भाई फाइनली वीडियो खत्म। वीडियो कैसा था? नाइस, वेरी एंटरटेनिंग, मतलब सही था, सिंपली चले जा रहा था, अच्छा लगा। सच बात बोलो तो पापा ओपन द चैट भाई साहब, सीरियसली फुकरा भाई ने भी बोल ही दिया मेरे बोलने के बाद, इनके लिए अंकल ओपन द चैट कहना चाहूँगा मैं। और क्योंकि सच बोलूँ तो भाई जो अंकल की किस्मत है ना वो अलग लेवल की है भाई, सीरियसली बोलूँ तो। मतलब कि भाई जो भी प्रोडक्ट निकालो ये भाई, मेरे को लगा कि मतलब लक्की इंसान बिजनेस इंसान ऐसे लगे, फिर मेरे को ऐसे लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंसान भाई अच्छा धंधा कर सकते हैं, कसम से बोल रहा हूँ भाई। जो प्रोडक्ट मिले ना मेरे को भी लग गया यार दिल पे, हाय पता नहीं यार, पर काफ़ी देखो रिस्क है। और एक और बात बोलूँ तो मुझे पूरा प्रमोशनल वीडियो लग रहा था, तुम बोलोगे कमेंट करके कोई हाँ भाई प्रमोशनल वीडियो है, ठीक है वैसे। और एक मीम चैट है उसके रिव्यू पढ़े थे तो बहुत लोग बेकार बोल रहे थे। हाई बॉक्स का पता नहीं, इस पर थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और ये भी एक ऑप्शन अच्छा लगा। ट्रिगर्ड इंसान, मेरे को दिमाग से ट्रिगर्ड इंसान निकालना, जब देखो उसी का ही नाम लेता, मुंह जुबान इतना भाई पसंद है ना अपन को दिल से, क्या करूं मैं। तो उसने हाई बॉक्स के ऊपर जो एक प्रमोशन का सीन डाला था वो बहुत अच्छा था कि हाई बॉक्स का। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने क्या है कि मतलब कि तुम ऑनलाइन शॉपिंग करवा सकते हो, पेमेंट वगैरह होके ना तुम वही खुलवा सकते हो घर बैठे बैठे, अगर आ गया तो वो सामान मिल जाएगा, नहीं तो उसका रीसेल वैल्यू कर सकते हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट तो मिल ही रहा है भाई, ये एक चीज़ अच्छा। पर कौन बैठ के 1,000, 10,000, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये का भाई मतलब इतना खर्चा उठाएगा, रिस्क लेगा, है ना? रिस्क लेने के लिए तो ये लोग पैसे ले रहे हैं भाई, ठीक है, इससे अच्छा कुछ बिजनेस कर ले वैसे बोलूँ तो। पर मेरे को बहुत अच्छा लगा था वैसे, ऐसे नहीं कि सारे प्रोडक्ट बेकार थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे। हाँ, पापा ओपन द चैट अंकल जी ओपन द चैट, उनके सारे प्रोडक्ट अच्छे थे, लेकिन वो जो शुरू में PS5 वगैरह निकला, ट्रिमर वगैरह, ये सब अच्छा था। फुकरा इंसान की किस्मत थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी, अंकल तो नंबर वन बेस्ट लक था ही उनका करके। आंटी जी का भी ओके ओके था। सूटकेस भी भाई बहुत तगड़ी चीज़ है, कभी बाहर घूमने जाओ तो वो चाहिए ही होता है। जासूस भाई का भी ठीक था, दाढ़ी वाड़ी वगैरह वाला जो मिला था, बस वो लास्ट का थोड़ा अजीब लगा जो 3 डब्बे थे मेरे को। बट ओवरऑल बोलूँगा मिस्ट्री बॉक्सेस वाला ये वीडियो काफ़ी अच्छा था, बस अगर ट्रिगर्ड इंसान होता तो मज़ा आता। हालांकि मैंने पहले ये व्लॉग देखा था और मैंने आई थिंक रिएक्ट भी किया था वैसे, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा व्लॉग पे था, तो वो मिस्ट्री बॉक्सेस की शूटिंग होनी थी करके, तो बड़ी मुश्किल से परमिशन लिया था करके। सीरियसली ओवरऑल बोलूँगा वीडियो अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इस ओरिजिनल वीडियो को लाइक कर दिया। तो उम्मीद है तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नहीं हो पूरा रिएक्शन वीडियो देखा, अगर तुम फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मल्हन के बहुत बड़े फैन हो और इसके रिएक्शन वीडियो देखना पसंद है, स्पेशली ये मिस्ट्री बॉक्सेस वाले चैलेंजेस वीडियो देखना पसंद है,
और तुमको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री और फ्री में तुमको और बेल आइकन भी दबाने को मिल रहा है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर कुछ नहीं है, सिर्फ 0 रुपीस लगता है, एक क्लिक करो मजे से मिल जाएगा, ठीक है। और कल को मैं कभी पॉपुलर हो गया, थोड़ा इनकम वगैरह आ जाएगा यूट्यूब से, तो मैं तुम अगर बोलोगे तो पक्का मैं मिस्ट्री बॉक्स बॉक्सेस के ऊपर रिस्क लेके पैसे खर्च करके ऐसे अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बना सकता हूँ इसी चैनल पर, नहीं तो किसी और चैनल पर। तो मिलते हैं फिर कल स्ले पॉइंट का कोई एक ना इंडियन प्री वेडिंग वीडियो सर एक्सट्रीम करके कुछ एक वो वीडियो शूट के ऊपर आया करके, वेडिंग से पहले जो प्री वेडिंग शूट होता है, तो उस रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।